आज की कहानी है, माँ बेटियों के पैदा होने पर इतना दुखी क्यों रहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ईश्वर की लीला देखिए, एक के बाद एक तीन बेटियां आ गई, एक बेटा दे देता इनमें से तो जीवन तो सफल हो जाता। मानसी छोटी बेटी को दूध पिलाते हुए पति देवेंद्र से बोली, क्यों चिंता करती है तू मानसी, देखना हमारी बेटियों बेटों की तरह नाम रोशन करेगी। देवेश ने मानसी को समझाया। देवेश ने तीनों बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी सीमित आमदनी में भी वह तीनों की अच्छी शिक्षा दे रहा था। तीनों बेटियों ने भी सदा देवेश और मानसी का मान ही बढ़ाया, पर मानसी के दिल से बेटा होने की कसक खत्म ही नहीं हो रही थी। सोनिया जी, आपको पता है पड़ोस के शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया है। कैंपस प्लेसमेंट में पूरे 30 लाख का पैकेज लगा है उसका। एक दिन मानसी देवेश से बोली, ये तो अच्छी बात है, शर्मा जी ने उसकी पढ़ाई में कोई कौर कसर भी तो नहीं छोड़ी। खुद रूखी सूखी खा बेटे को पढ़ाया, अब उनके दिन सवर जाएंगे। देवेश अखबार पढ़ता हुआ बोला, हाँ उनके दिन तो सवर जाएंगे, पर हम तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बेटियों तो ससुराल चली जाएगी, हमारा कोई सहारा नहीं रहेगा, मानसी अफसोस करती हुई बोली। मानसी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारी बेटियां ही हमारे बेटे जैसी है, हमारा हमेशा मान बढ़ाती है, फिर भी तुम्हें जाने इतने साल बाद भी बेटा ना होने का अफसोस क्यों है। देवेश अखबार साइड रख बोला, बेटियों को कितना बेटा बेटा कह लो, पर सच यही वो रहती बेटियां ही है। बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल तो बेटा ही करता है। मासी तनिक गुस्से में बोली। देवेश कुछ बोलने की जगह उठकर नहाने चला गया। अपने कमरे में पड़ रही तीनों बेटियों को हमेशा की तरह से सुन बुरा लग रहा था कि उनकी माँ एक बेटे के लिए इतना दुखी रहती है। सबसे छोटी तानिया को तो बेटा कहलाया जाना भी गलत लगता। बेटी होना कोई गुना तो नहीं, जो बेटियों को मेरी बेटी नहीं बेटा है का सबोधित किया जाता है। सानिया सोचने लगी पर बोली खुश नहीं। वक्त का पहिया घुमा और देवेश और मानसी की बड़ी बेटी सरिया बैंक में नौकरी करने लगी। दूसरी बेटी सरिती ने सीएम में दाखिला लिया था और छोटी सानिया बीटे की तैयारी करने लगी। देखा मानसी, आज हमारी बेटी की कितनी अच्छी नौकरी लगी है, बहुत जल्द बाकी दोनों भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। फिर देखना तुम्हें कुछ लगेगा कि तुम तीन बेटियों की नहीं बेटों की माँ हो, देवेश बेटियों को गले लगाता हुआ बोला। हाँ, पर एक दिन तीनों ससुराल चली जाएगी, क्योंकि है तो बेटियां ही, बेटा होता तो साथ रहता, मानसी बोली और काम में लग गई। श्रीति भी सीए बन गई और ICI के कैंप्स प्लेसमेंट में उसे 8 लाख का पैकेज मिला। श्रीति के सीए बनने के अगले साल ही सानिया की बीटेक हो गई और उसे तो पूरे 32 लाख का पैकेज मिला। देखो मासी, आज मेरे तीन बेटे हैं, देवेश खुशी से बोला। पापा, बेटी होना गलत होता है क्या, सानिया बोल ही पड़ी। नहीं तो बेटा, अगर ऐसा होता तो हम क्यों तुम्हें इतने प्यार दुलार से पालते, देवेश हैरानी से बोला। तो पापा, क्यों ये कहा जाता कि बेटी बेटियों की तरह मान बढ़ेगी, या मेरी बेटी तो मेरा बेटा है, क्यों बेटी को बेटी ही नहीं माना जाता है, क्या बेटियां बेटी की तरह मान नहीं बेटे की तरह मान नहीं बढ़ा सकती, क्या मान बढ़ाने का हक बेटे को ही है, क्यों बेटों को कभी नहीं बोला जाता, ये तो मेरी बेटी है। सानिया मानो आज अपने मन की पीड़ा कह देना चाहती थी। देवेश ससुराल से कभी मानसी को कभी सानिया को देख रहा था, कितनी बड़ी बात कह गई आज उसकी बेटी।
हम बचपन से बेटियों को बेटा बोलते, बेटों को कभी बेटी नहीं बोलते। क्यों हम बचपन से ही अपने बच्चों में ये भेदभाव सा करते? क्यों नहीं बोलते कि मेरी बेटी है या मेरी बेटी ने मान बढ़ाया? उसके मन में ऐसी बहुत सी बातें घूमने लगी, बेटी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दे, तुम मेरी बेटियां हो, मेरा अभिमान और मुझे फर्क है। तुमने बेटियों के रूप में मेरे घर में जन्म लिया, बेटियों पर मेरा मान बढ़ाया। मैं तो गर्व से कहूँगा मेरी बेटियों ने बेटों से बढ़कर मेरा मान बढ़ाया है। मुझे गर्व है मैं तीन बेटियों का पिता हूँ। देवेश बेटियों को सीने से लगा, भरे गले से बोला, मासी के मन पर पड़ा, बेटे का पर्दा भी हट गया। उसे भी आज तीन बेटियों की माँ होने पर गर्व था, मासी और देवेश ने। धीरे धीरे तीनों बेटियों की शादी भी कर दी, पर उनकी बेटियों ने अपने भावी जीवन साथी के आगे यही शर्त रखी थी कि वह उनकी पत्नी बनने के साथ साथ हमेशा अपने माँ बाप की बेटियां भी रहेगी, उनकी देखभाल भी करेगी। दोस्तों, जमाना कितना बदल गया हो, पर अभी भी कुछ लोगों के मन से बेटी बेटे का भेद नहीं जाता, जबकि बेटियां भी आज माँ बाप की देखभाल कर रही है, साथ ही साथ हमेशा बेटियों की उपलब्धि को ये कह छोटा कर देते कि तू बेटी नहीं मेरा बेटा है, जबकि बेटी बनकर वो उपलब्धि पाई है, तो बेटी बनाकर ही उसे स्वीकार करो। क्यों बेटी को बेटा जैसा बोल, बेटियों की कीमत कम करनी, क्योंकि मान तो बेटियां भी बढ़ाती हैं।